गाइस हम चल निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड हमें दूसरे का कुछ नहीं पता, तो इट्स लाइक इंडिविजुअल टास्क। ओके, ये अपना 100 bucks वो करेंगे और मैं अपना। बाय 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 बाय। सो गाइस लेट्स सी, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ का कि सस्ता सस्ता कहाँ मिलेगा। एंड तो ब्रेकफास्ट हम थोड़ा लाइट रखेंगे और जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता रखेंगे। मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके ना मैं डिनर के लिए पैसे बचाऊँ और डिनर विल बी ग्रैंड। थोड़ा उल्टा रूल है बट लेट्स सी। भैया एक केला कैसे दोगे? एक दे दो आप। पांच पूरा देना। हाँ हाँ 5। ₹5 लीजिए। थैंक यू। फर्स्ट थिंग, तो दिस इज अ हाफ ऑफ माय ब्रेकफास्ट मेन्यू। ओके, तो एक और चीज़ लेना है तो आप देखते रहिए। भैया एक अंडा कैसे दिए? एक अंडा ₹7। ₹7, हाँ एक दे दो। एक दे दो। हाँ तो हमने ₹7 का अंडा ले लिया। मेरे पास चेंज नहीं है। ये दे दो। हाँ ये ले लो। ₹3 की टॉफी दे दे। भैया नहीं अभी ना चैलेंज चल रहा है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। थैंक यू। सो हमने ले लिया ₹7 का अंडा। थैंक यू गाइस। कुछ नहीं दिख रहा है, मैं क्या लूँगी पता नहीं अभी तक। गाइस मुझे ना अभी आके एक भैया दिख रहे हैं वेंडर, मैं सोच रही मैं उनसे पूछती हूँ क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ क्या है। 30 के दो कर दो, पैक कर दो। थैंक यू। तो ब्रेकफास्ट में मेरे ₹30 हो चुके हैं खर्च और आई बॉट दिस पराठा। चलिए अब घर चलते हैं। सो गाइस आई एम बैक। सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। मेरे ₹30 चले गए। ये जो पराठे हैं ये ₹30 का दो मैंने आपको रास्ते में बताया था, बट मेरे को कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, एक ही दिख रहा था आपको मैं दिखा रास्ते में, तो मेरे ₹30 खत्म। ओके ₹70। ओके आइए आइए ब्रेकफास्ट को दिखाऊं मैं आपको मेरा। टाडा। तभी आप पूछते पूछते थे केले वाले दिए थे, एक केला कितने का पड़ा? आप तो ₹10 में नहीं पड़े। 10 नहीं ₹12, 5 का ये 7 का ये। 7 का हो गया ना। हां दिस इज द ब्रेकफास्ट, लेट्स गो एंड हैव अ ब्रेकफास्ट, लेट्स गो। गाइस ₹30 का मेरा ब्रेकफास्ट, ये दो पराठे, छोले, प्याज, मिर्ची, वाह बहुत बड़े बड़े पराठे। कट टू गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट देखिए, ये एक केला और एक बॉइल्ड एग। वाह। चलिए शुरू करें। लंच का टाइम और आई यू हंग्री? नो आई एम हंग्री, सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट इतना हैवी था कि अभी लंच टाइम हो गया है और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, लेकिन मैं फिर भी सोच रही हूँ ले आती हूँ हल्का फुल्का लंच। कभी सुना है आप लोगों ने हल्का फुल्का लंच? लाइट लंच करूँगी मैं, लाइट लंच। तो चलिए लंच में क्या खाना है? आई कांट अफोर्ड एनीथिंग। एक भैया हैं जो एक स्टॉल लगाते हैं, तो आई एम गोइंग देयर। ये वो स्टॉल है, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पराठा लूँ या मैं कुलचा लूँ। भैया कुलचा कैसे दिए? 25 की प्लेट। 25 का प्लेट है? 25 का प्लेट। एक पराठा मिल जाएगा? कितने का? 25 की। हाँ 20। भैया 15 का कर दो, आज के लिए कर दो बस, आज के लिए कर दो बस। थैंक यू। पैक कर देना भैया। आई गॉट दिस मच सेव।
मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या लूँ। चलिए अब हम लेने वाले हैं लंच। जैसे मैंने बताया कि मैं लाइट लंच लूँगी, तो देखते हैं। भैया वाई वाई है क्या? वाई वाई दे दो एक। कितना है ये? तो 15 रुपये। मुझे ना सब कुछ महंगा पड़ रहा है। हम वापस आ गए हैं और सी इज डूइंग टू वेल। आपको मैं अपना लंच दिखाऊं। मेरा ब्रेकफास्ट और लंच हो गया है और मैंने अभी तक स्पेंड किए 27 रुपीस। मेरे पास बचे हैं 55 रुपीस मेरे पास आफ्टर लंच और सॉरी आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर लंच मेरे पास 55 बक्स बचा है डिनर के लिए। तो मेरे पास बचे हैं 73। ये डिनर गोइंग टू बी ग्रैंड। नेक्स्ट टाइम मैं इसको सिर्फ 50 रुपए दूंगी। उसमें भी हम तीनों रॉक करेंगे हक से। गाइस मेरा 15 रुपए का लंच। बाय बाय। हियर्स माय लंच गाइस। सी ह्यूज पराठा विद छोले और ये बगल में प्याज कुछ दिया था उन्होंने सैलेड में और प्याज में खाती थी इससे मैंने वो छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक पीस कुछ है मूली जैसा। सो यस दिस इज माय लंच। होलसम। अब है डिनर टाइम। 55 रुपये। 73। जो मैंने सोचा था जो मेरी प्लानिंग थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज अभी लेट हो गया है तो मुझे नहीं पता कि मेरी प्लानिंग क्या है। गाइस देखिए अंधेरा हो गया है बाहर। तो गई मार्केट में पर गाइस ट्रस्ट मी ना मुझे कुछ दिख रहा है ना मुझे कुछ मिल रहा है और मेरे पास से 55 रुपये है। तो हंटिंग। तो गाइस आई गॉट दिस प्लेस फॉर चाउमीन दिस प्लेस फॉर बर्गर। तो आई एम गोना ट्राई दैट। भाई चोकोबार कैसे दिए? चोकोबार मेरा स्वीट डिश हो गया। फाइनली आई एम होम आफ्टर आई पैक्ड माई फूड। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी। मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगी कि खाने में क्या लेके आई हूँ। भैया क्वार्टर कितने का होगा? 60। मुरादाबादी कर दो। हाँ पैक कर देना। ये क्या है? हाँ ये कितने का? एक 30। हम सब गरीब राइट नाउ। गज्जक खरीदते वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी पर वो सेव नहीं हुई समहाउ। तो वो भी काफ़ी फन वीडियो हुआ था। आई मीन अंकल बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे उस वीडियो में। अनफॉर्चुनेटली वो सेव नहीं हुआ। सो यस आई गॉट अ गज्जक एज वेल और वो पड़ा मुझे 10 रुपये का एक पीस। काफ़ी महंगा यार मुझे नहीं पता था। सो या दैट्स व्हाट आई ब्रॉट फॉर माय सेल्फ। हु डजंट लाइक बिरयानी गाइस? बिरयानी। सो आई हैव अ शाही डिनर विद मी। आई हैव मुरादाबादी चिकन बिरयानी प्लस एज अ स्वीट साइड में थोड़ा सा छोटा सा गज्जक। सो या दैट्स गोना बी माय डिनर। सो लेट्स डिग इन गाइस। मेरा लंच मेरा डिनर 20 रुपये का चाउमीन 20 रुपये का बर्गर और साथ में स्वीट डिश ये मिनी चोकोबार 10 रुपये का। तो मेरे पास 55 रुपये बचे थे और 5 रुपये ही बचा है और उसका कुछ नहीं कर सकती मैं भी। तो लेट्स एंजॉय द डिनर।
सो दिस इज माई शाही डिनर. ये है चिकन मुरादाबादी बिरयानी. इसके साथ आपको मिलता है ये क्या है, ये रेड समथिंग, ये ग्रीन कुछ है, ये ग्रीन ग्रीन सा, और ये रॉ प्याज जो मैं नहीं खाती, सो आई एम गोना हैव दैट. और मेरे पास है स्वीट डिश गज्जक. इसको गज्जक ही बोलते हैं ना, पता नहीं इसको गज्जक बोलते हैं या पट्टी बोलते हैं या दोनों ही बोलते हैं. दिस इज समथिंग आई हैव. ये 60 रुपीज़ का और ये 10 रुपये का, तो टोटल 70 है. मेरे पास बचे बहुत सारे पैसे बचे मेरे पास. आपको जानना, ये देखिए 3 रुपये. सो लेट्स डिनर टाइम. ये था हमारा 100 बर्ग्स चैलेंज. तो आपको कैसे लगा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको 100 रुपीज़ दिया जाए तो आप उसको कैसे स्पेंड करोगे वो भी बताइएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. मैंने ज्यादा खाया और आज मुझे रियलाइज हुआ कि इतना खाते हुए पेट भर सकते हैं. एपेटाइजर से ज़्यादा से देख के लगता नहीं है, बट है ना, तो इतना खा के भी आपको पेट भर सकते हो. आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट मी टुडे. तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डाउन बिलो एंड सी यू नाउ. बाय बाय. गुड नाइट.